हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेव में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम बात करेंगे जो हमारा एबीबी का सास ईमेक्स होता है, जो ब्रेकर का नया सीरीज आया है ईमेक्स टू सीरीज का जो ब्रेकर आया है उसमें क्या क्या सेटिंग एडवांस में दिया हुआ है और इसका सेटिंग कैसे कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा इसी बात में करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक लेट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पता ही होगा आपको कि ब्रेकर में जो हमारा है LSIG चार टाइप के सेटिंग दिए हुए रहते थे। LSIG ये चारों सेटिंग कर लेते थे तो हमारा ब्रेकर का काम हो जाता था। लेकिन इमेज टू क्या क्या एडवांस वर्सन लाया है जिसमें से आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन जो है अलग से दिए हुए हैं, जो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें LS और S2 दिया हुआ है, I है, 2I दिया हुआ है, G है, ग्राउंड होल्ड का 2 करंट दिया हुआ है, MCR है और IU दिया हुआ है, T है और SW है। इतने सारे प्रोटेक्शन जो है हमारे एडवांस वाले जो ब्रेकर आया है उसमें सेटिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका सेटिंग रेंज कितना कितना रखना है और सेटिंग कैसे करते हैं, ये सारे हम जो है इस वीडियो के ऊपर में बात करते हैं और इसका सेटिंग कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले L आ जाते हैं। L का मतलब होता है आपका लॉन्ग टाइम, जिसको ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, यानी इसमें आप टाइमिंग जो है ज्यादा देर तक डाल सकते हैं। और इसका सेटिंग का रेंज दिया हुआ रहता है दोस्तों 0.4 से 1, क्योंकि ये जो है इक्विप टच मॉडल है। तो टच मॉडल जो है वो आपका 0.4 से शुरू होता है, 0.4 से 1 तक आपका सेटिंग जो है हाईएस्ट रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका 800 एम्पियर का ब्रेकर है और अगर आप उसको 1 में रखेंगे तो 800 एम्पियर जो है आपका फुल लोड के ऊपर सेटिंग रहा, लॉन्ग टाइम हो गया। दूसरा दोस्तों एस प्रोटेक्शन जो आता है वो आता है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी इसमें आपको टाइमिंग कम मिलता है। और इसमें जो है इस ब्रेकर में 2 एस है, एक S1 है और एक S2 है। तो एक एस जो है उसमें 50 TD रहता है और एक 51 रहता है, जो इसका ANSI कोड होता है। ANSI ये कोड के हिसाब से जो दोस्तों ये किस पे डिपेंड करता है, कर्व के ऊपर। एक नॉर्मल कर्व होता है और एक में होता है इनवर्स कर्व। तो इसके लिए इसका जो कोड रहता है वो चेंज होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, 0.6 से 10 और 0.6 से 10, ये जो टोटल होगा दोस्तों वो IM के हिसाब से होगा, यानी नॉर्मल उसका करंट है उसका इतना गुना, 0.6 गुना से 10 गुना तक आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस ब्रेकर को सेटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान देने वाली एक बात यह है कि S2 का सेटिंग जो हमें हमेशा जो है S1 से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर इसका आप सेटिंग जो है मान लीजिए 0.8 में रखते हैं तो इसका 1 में रखना पड़ेगा। तो इसका सेटिंग हमेशा ज्यादा में रखना है। अब दोस्तों आता है इंस्टेंटेनियस आई। आई जो होता है वो इंस्टेंटेनियस ट्रिप होता है। इसमें क्या होता है, कोई टाइम डिले नहीं होता है। इन दोनों में जो होता है टाइम डिले होता है, यानी इतना सेकंड तक अगर करंट जाएगा उसके बाद ही ट्रिप करेगा। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, आपको टाइम डिले नहीं मिलता है और इंस्टेंटेनियस में आप 1.5 गुना से लेकर 15 गुना तक नॉर्मल करंट का सेटिंग कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो है 4 से 6 गुना तक सेटिंग करते हैं और इसमें आपका ब्रेकर जो है इंस्टेंटेनियस तुरंत ट्रिप कर जाती है। अब दोस्तों, जो इस ब्रेकर में एक नया आया है 2i प्रोटेक्शन होता है। क्या है ये 2i प्रोटेक्शन जो है वो पहला नंबर, तो आप इसमें 2i का सेटिंग नहीं कर सकते हैं, ये प्रोग्रामेबल रहता है। इंस्टेंटेनियस करंट का ही एक सेटिंग है जो कि प्रोग्रामेबल रहता है। लेकिन 2i काम कब करता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा ना हमारा कि 2i काम कब करता है। तो 2i जो दोस्तों है ब्रेकर क्या होता है आपका, जब आप रिले का कोऑर्डिनेशन करते हैं तो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जब ब्रेकर होता है तो क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम वाला पहले ट्रिप होगा जो ब्रेकर का ही है, अपस्ट्रीम वाला बाद में होगा। तो जितने देर तक फॉल्ट करंट आपका ब्रेकर में ट्रेवल करेगा तो जिसकी वजह से क्या होता है आर्क फ्लश करता है ब्रेकर में, आपको पता ही आर्क फ्लशिंग होता है। तो आर्क फ्लशिंग का ही सेटिंग जो होता है वो 2i सेटिंग होता है। इस ब्रेकर में एडवांस में ये दिया हुआ है कि इसको आप सेटिंग करके रख सकते हैं कि इतना गुना तक अगर गया तो कितने टाइम तक ट्रिप होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर। ग्राउंड फॉल्ट नॉर्मल दोस्तों 0.2 से 0.3 रखते हैं हम नॉर्मल करंट का। और ये जो है इसका कोड जो होता है NSI वो 50N होता है, जो मैंने लिख दिया। अब इसमें इस ब्रेकर में दोस्तों एक और ग्राउंड फॉल्ट दिया है जो आप एक्सटर्नल CT लगा के ले सकते हैं। एक्सटर्नल से CT से अभी अगर आपको लगाना है, जैसे आप क्या होता है कि CBCT लगा के आप जो प्रोटेक्शन लेते हैं उस टाइप का, यहाँ पे आप क्या है कोई दूसरा CT लगा के आप अलग से ग्राउंड फॉल्ट दे सकते हैं जो इस ब्रेकर में दिया हुआ है। अब दोस्तों आ जाते हैं MCR प्रोटेक्शन। इस ब्रेकर में एक MCR प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो की है क्या, यह भी एक इंस्टेंटेनियस ट्रिप का ही पार्ट है जो आपका 1.5 से 15 गुना तक रहता है। लेकिन ये MCR प्रोटेक्शन काम कब करेगा, अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो क्या होगा, ऑफ रखते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप MCR प्रोटेक्शन को ऑन रखते हैं तो तो यह जो है कब काम करेगा, जब ब्रेकर का क्लोजिंग के टाइम भी इतना करंट भाग जाता है। सपोज कीजिए आउटसाइड कुछ प्रॉब्लम है और ब्रेकर क्लोजिंग के टाइम से ही आप इसका 2 गुना सेटिंग करके रखे हैं तो 2 गुना करंट भाग गया, तो ये ऑन रहेगा तो उस समय ब्रेकर तुरंत ट्रिप करा देगा। इसको इस इंस्टेंटेनियस से कोई मतलब नहीं है, ये आपका जो है उसी समय ब्रेकर को ट्रिप कमांड जनरेट करेगा और आपका ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे जो है
आईयू एक सेटिंग होता है, यानी करंट अनबैलेंस का भी सेटिंग इसमें दिया हुआ रहता है, जो आपका जिसका एनएसआई कोड होता है 46, तो आप इसमें करंट अनबैलेंस का भी सेटिंग करके रख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे दिया हुआ क्राइटेरिया कि 2 से 90%। ये दोस्तों कैटलॉग के हिसाब से है, जो इसका मैनुअल में है उसके हिसाब से मैं लिख के यहाँ पे दिया हूं। बाकी 2 to 90% जो होता है क्या होता है, इतना अगर करंट अनबैलेंस करेगा तो आपका जो है क्या है ब्रेकर ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, अगर आप इस प्रोटेक्शन को ऑन रखते हैं। बट दोस्तों इसका कैलकुलेशन है कि आपका 100 times into मैक्सिमम लोड आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स, ये फॉर्मूला पे ये काम करता है। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपका 100 हो जाएगा और मैक्सिमम करंट चल रहा है 300 एम्पियर और जो मिनिमम करंट चल रहा है 250 एम्पियर डिवाइडेड बाई 300 एम्पियर, तो ये आपका फॉर्मूला पे काम करेगा, ये 100 into आई मैक्स माइनस आई मीन बटा आई मैक्स, तो मैक्सिमम जो आपका आरवाईबी में जिसमें मैक्सिमम हो रहा है वो मैक्सिमम ले लीजिएगा और जिसमें मिनिमम जा रहा है वो मिनिमम ले लेगा। तो ये होता है दोस्तों, इसमें करंट अनबैलेंस का भी अलग से प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो भी ये ब्रेकर को बहुत ही रिलेबिलिटी बनाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं टी, टेम्परेचर करके दिया हुआ है। टी मतलब डायरेक्ट हो गया कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हम आपका जो ब्रेकर है वो काम कर सकता है। तो कैटलॉग में दिया हुआ है दोस्तों कि -25 degree से +85 degree Celsius तक जो आपका ब्रेकर है वो काम करेगा, यानी -25 से कम नहीं होना चाहिए, +85 से कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें आप जब देखिएगा तो एक प्री अलार्म करके आएगा, जब मैं सेटिंग में जाऊंगा तो दिखाएंगे। तो प्री अलार्म क्या होता है, 90% पे सपोज कीजिए, 80% पे आपने प्री अलार्म सेटिंग कर दिया, तो जैसे ये वैल्यू थ्रेशोल्ड का लिमिट टच करेगा आपके ब्रेकर में ऑटोमेटिक एक अलार्म जनरेट होगा कि आपका जो ओवर करंट है, सपोज कर लीजिए, ये दोनों के लिए ही प्री अलार्म का सुविधा देता है, और एल प्रोटेक्शन के लिए और एस प्रोटेक्शन के लिए, इन दोनों के लिए ही आपका जो है प्री अलार्म रहता है। तो अगर आपका वैल्यू दोनों को टच करता है तो ब्रेकर में अलार्म जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों एचडब्ल्यू ट्रिप पे करके एक रहता है, जिसका सीधा मतलब होता है हार्डवेयर ट्रिप। अगर आपके ब्रेकर में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेकर का जो आपका रिले दिया हुआ है टच रिले, इक्विप टच रिले, वो काम नहीं कर रहा है, या सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है ब्रेकर के इंटरनल पार्ट्स में, तो आपका जो क्या है ब्रेकर हार्डवेयर में ट्रिप करेगा। तो दोस्तों इस ब्रेकर में इन सारे जो LS इतने सारे प्रोटेक्शन जो है नया आए हुए हैं, जो मैं अभी आपको ब्रेकर में करके दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, चलिए सीधा चलते हैं जहां ब्रेकर। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेकर का स्क्रीन है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा SAS EMX2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको होम बटन दबा लेना है, होम बटन जैसे प्रेस करेंगे आपका क्या करंट चल रहा है L1 L2 L3 में वो आपका करंट जो दिखाएगा, और फिर से होम बटन जैसे आप प्रेस करेंगे आपका कुछ इस तरह इंटरफेस खोल के आएगा, और जिसमें 6 ठो है उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा, जिसमें आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे जाएंगे सर्किट ब्रेकर का सेटिंग लिखा हुआ है, सर्किट ब्रेकर सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका नीचे देखिए कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर ट्रिप टी प्रोटेक्शन, ये सब सारा जो है ग्राउंडेड प्रोटेक्शन दिखा रहा है। तो टी प्रोटेक्शन जैसे करेंगे दोस्तों इनेबल, तो यहाँ से आप जो है टी प्रोटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं, जो कि पिछला वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दिया हूँ कि आपका सेटिंग रेंज कितना कितना तक रखता है, उस रेंज पे काम करेगा। यहाँ से फिर बैक बटन से आपको बैक आ जाना है, और जैसे ही आप बैक आएंगे यहाँ पे हार्डवेयर ट्रिप दिख रहा है और ग्राउंड प्रोटेक्शन दिख रहा है। ये वाला दोस्तों ग्राउंड 2 है, जो दूसरा नंबर ग्राउंड प्रोटेक्शन है। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल टोरेनॉइड जो है एब्सेंट दिखा रहा है, अगर कुछ आप एक्सटर्नल सिटी लगाएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट दिखाएगा, और यहाँ पे क्या होगा सोर्स टू ग्राउंड रिटर्न या कुछ भी सेटिंग करके यहाँ पे आप जो है ग्राउंड फॉल्ट दूसरा वाला सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग कर लेंगे आपका जो है, तो ब्रेकर का दूसरा ग्राउंड फॉल्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो ब्रेकर है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे HW ट्रिप दिखा रहा है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको बैक बटन के दबाते हुए आपको क्या करना है, सारा फंक्शन चेक करते हुए बैक में आ जाना है, और बैक में आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एडवांस दिखा रहा है, एडवांस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 2i प्रोटेक्शन, जो मैं अभी बताया हूँ आपको 2i प्रोटेक्शन, देखिए यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो 2i प्रोटेक्शन इनेबल करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपको नॉर्मल ऑन कर लेना है, तो आपका 2i प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों उसके नीचे MCR प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, जो मैं अभी आपको बताया था वीडियो में, तो MCR प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और MCR प्रोटेक्शन को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये सारा दोस्तों आपको एडवांस वाला जो बटन है उसमें मिल जाएगा। तीसरा उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं, तो तीसरा आपको जो है अनवायलेंस, करंट अनवायलेंस जो है IU का प्रोटेक्शन वो आपको मिल जाता है यहाँ पे, और करंट अनवायलेंस का जो है आप सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे। जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन दिखाया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे वो वाला जो है करंट अनवायलेंस वाला काम करेगा और आपका यहाँ का प्रोटेक्शन सेटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह तीनों सेटिंग करने के बाद जो है आपको जो है क्या करना है, बैक से निकल जाना है फिर से बटन को दबाते हुए, और आ जाना है आपको बैक बटन दबाने के बाद आपको आ जाना है। जैसे ही आप बैक बटन दबाकर होम स्क्रीन पे आएंगे, होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या नजर आएगा, आपको
यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाला सेटिंग है आपका LSIG प्रोडक्शन जैसे दबाएंगे तो LSIG वाला जो प्रोडक्शन है वहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे LS S2 IG ये चारों प्रोडक्शन दिखा रहे हैं क्योंकि G2 आपको ऑलरेडी मैं दूसरे जगह पे सेटिंग करके दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली L प्रोटेक्शन में क्लिक करना है। L प्रोटेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे 800 एम्पियर का ब्रेकर है, 0.4 में सेटिंग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है 320 एम्पियर दिखा रहा है और टाइम उसका 3 सेकेंड है। मैंने बताया था इसमें टाइम सेटिंग किया जाता है। तो आपको थ्रेशोल्ड जो लिखा हुआ है I1 थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है। नीचे देखिए आपका प्री अलार्म भी दिखा रहा है, तो थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेंगे, थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सेटिंग जो है ब्रेकर का बढ़ाने घटाने का, जैसे भी अगर आपको जो भी करना है ब्रेकर का वो आप बढ़ा घटा सकते हैं आराम से अपने हाथों के द्वारा, और आपको जितना सेटिंग रखना है वो कर सकते हैं। ये देखिए 0.4 है, आप प्लस करेंगे तो 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.401, ये 0.001 के रेशियो में भरेगा आपको। तो जितना आपका सेटिंग है लोड को देखते हुए, आउटपुट का लोड को देखते हुए आपको जो यहाँ पे है वो हमारा L प्रोटेक्शन सेटिंग कर लेना है। L प्रोटेक्शन सेटिंग करने के बाद दोस्तों नॉर्मल बैक बटन दबाकर आ जाना है और यहाँ पे S प्रोटेक्शन में क्लिक करना है। S प्रोटेक्शन देखिए दोस्तों सिंपल इनेबल यहाँ पे कर लेना है आपको, जैसे ही ऑन करते हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। पहले सारा देख लेता हूँ कि क्या क्या आपका जो है इस बटन में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों S2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है, S2 प्रोटेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इनेबल डिसेबल आप जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है S2 का सेटिंग हमेशा S1 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आ जाना है आपका आई प्रोटेक्शन के ऊपर, जो इंस्टेंटेनियस स्ट्रिप होता है ये आपका जो है 1.5 से 15 गुना तक किया हुआ रहता है। यहाँ पे नॉर्मल देखिए दोस्तों 1.5 टाइम्स किया हुआ है, यानी 800 का 8 × 1.5 तो 1200 एम्पियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्टार्टअप इनेबल भी दिखा रहा है, स्टार्टअप इनेबल का मतलब हो गया कि इनेबल के टाइम पे ये काम करेगा कि नहीं। तो अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो स्टार्टअप इनेबल काम करेगा, और जोन सिलेक्टिविटी करके भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जोन सिलेक्टिविटी को भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से आ जाते हैं ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर, जो जी प्रोटेक्शन है आपका, तो ये ग्राउंड फॉल्ट 1 है, ग्राउंड फॉल्ट 1 प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अभी इस ब्रेकर में सारा ऑफ है, तो अभी चलिए हम जो है इनेबल ऑन करते हैं। ऑन किया हुआ जैसे क्या ट्रिप इनेबल ऑन आ गया, अब आपका थ्रेशोल्ड देखिए 0.2 दिखा रहा है, यानी 160 एम्पियर, 800 एम्पियर का ब्रेकर है और इसमें टाइमिंग जो है 0.4 सेकेंड किया हुआ है, तो ये हो गया। और प्री अलार्म का देखिए थ्रेशोल्ड जो है वो 90% पे किया हुआ, यानी 90% जैसे ही जाता है मुझे प्री अलार्म मिल जाएगा, और स्टार्टअप इनेबल में दोस्तों यहाँ भी ऑफ रखा हुआ है। अब दोस्तों फिर से आते हैं और आपको S प्रोटेक्शन में क्लिक करते हैं और आपको S प्रोटेक्शन का सेटिंग दिखाते हैं। तो S प्रोटेक्शन जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाएगा थ्रेशोल्ड 2 × IN, इसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दोगुना यहाँ पे किया हुआ है, अभी नॉर्मल जो है मैं ऑन करके नीचे आ जा सकता हूँ, और स्टार्टअप इनेबल जो है ऑफ किया हुआ है, जोन सिलेक्टिविटी भी ऑफ किया हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे आप स्टार्टअप इनेबल करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम ये कैलकुलेट करने लगेगा। फिर दोस्तों S2 में आ जाते हैं, ये भी यहाँ पे देखिए डिसेबल किया हुआ है, इसको यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये भी दो टाइम से किया हुआ है, मैंने बताया आपको ज़्यादा करना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेटिंग करने के ब्रेकर का सेटिंग कर नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको जो है इसको अगर उसको 2 रखें तो इसको 3 टाइम्स रखना है या 2.5 टाइम्स रखना है। अब दोस्तों आई प्रोटेक्शन भी जो है सेटिंग किया हुआ है, तो आई प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको जितना गुना रखता है इंस्टेंटेनियस स्ट्रिप में ब्रेकर वो कैलकुलेशन करके आपको जो है यहाँ पे सेटिंग कर लेना है। सिंपल दोस्तों से दो बार होम बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मॉडिफाई आ गया, एबोर्ट आ गया और कन्फर्म आ गया, 3 बटन आ गया। मॉडिफाई करेंगे तो फिर से सेटिंग जाएंगे, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, एबोर्ट मतलब आपको कुछ नहीं करना है काट देते हैं, और कन्फर्म मतलब जो ब्रेकर का सेटिंग आप किए हैं वही कन्फर्म हो जाएगा। अभी दोस्तों कन्फर्म करूंगा तो मेरा होगा नहीं, देखिए यहाँ पे आ गया है फेल्ड, क्योंकि मैंने सेटिंग जो है सही से किया नहीं है। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपने ब्रेकर का सेटिंग कर सकते हैं। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद। इसके लिए और वीडियो लाते रहूंगा।